तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरजे कंस्ट्रक्शन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीम की कास्टिंग करते समय आपकी क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। अगर आप प्लंथ की बीम भरते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिससे आपका मकान मजबूत बन सके, क्योंकि मकान की कंस्ट्रक्शन में दूसरा मेन पॉइंट जो होता है बीम होता है, जिस पर पूरे मकान का लोड होता है। तो आपको अपना मकान मजबूत बनाने के लिए करना यह है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप जान सकें कि कास्टिंग करते समय आपने क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बीम को मजबूत बनाने के लिए प्रॉपर तरीका यह है कि आपकी जो RCC है, जो आपकी कॉन्क्रीट है, वो बीम के चारों तरफ होनी चाहिए। जो जाल हमारा बंधा हुआ है उसके चारों तरफ आनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सेटरिंग लगी है और यहाँ जाल है, तो जाल के और सेटरिंग के बीच में गैप होना ज़रूरी है। जो आपकी साइड हैं दोनों तरफ, उधर दोनों तरफ एक एक इंच का गैप रखें। और आपने नीचे से भी इसको उठा के रखना है। जब आप इसको भरेंगे, आपने इसको मसाले से उठा सकते हैं और नहीं तो आप इसका कवर ब्लॉक भी लगा सकते हैं इसके नीचे उठाने के लिए इसको, ताकि आपका प्रॉपर मसाला जो है इसके नीचे भी भर जाए। तो इस तरीके से हम चारों तरफ, बल्कि तीनों तरफ जो हमारा होता है, ऊपर तो हमारा आता ही है मसाला ज़्यादा, मगर तीनों तरफ जो है मेन होता है, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सरिया होती है बीम के अंदर, उसको हमने जो है कम से कम, जो हमारी सरिया होनी चाहिए उसकी मोटाई 4 फुट होनी चाहिए, यानी 12 mm। उसके कम से कम जो है 6 पीस होने चाहिए, उसके अंदर 6 पीस डालने चाहिए और 4 फुट की सरिया डालनी चाहिए। सरिया 4 फुट की कहाँ डालनी है और कहाँ 5 फुट की डालनी है, यानी कहाँ 16 ही डालनी है, कहाँ 12 ही डालनी है, और आपने जो है कितनी कितनी डालनी है, तो ये सब जो है अलग एक वीडियो इस पर बन सकती है। क्योंकि इसमें क्या है, एक तो आपकी कितनी मंजिल की बिल्डिंग है उसके हिसाब से होगा, और आपका जो है कितना बड़ा एरिया है उसके हिसाब से होगा। तो इसमें अलग अलग तरीके से इसमें जाल बांधा जाता है। 5 फुट का भी जाल बनता है और 4 फुट का भी बन जाता है। तो कम से कम जो है 4 फुट की सरिया तो आपकी बीम के अंदर होनी ही चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो बीम की गहराई होती है, डेप्थ होती है, वो कम से कम 1 फुट होनी चाहिए। 1 फुट से कम बीम का आपका नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो मसाला हम इसमें बना के डालेंगे, जो हमारा RCC का मसाला होना चाहिए M20, वो 1.5-3 का होना चाहिए। यानी कि आपका 1 सीमेंट होगा, 1.5 रेता होगा और 3 बजरी, इस तरीके से आपका मसाला मिलना चाहिए। मसाला ज़्यादा आपका गीला नहीं होना चाहिए, आपका गोल मसाला होना चाहिए, इसको बोलते हैं गोल। इस तरीके का बनाएं, और इसमें जो है मसाला आपने बनाए तो वो कम, जो आप अगर मिक्सर मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतर है। मिक्सर मशीन में मसाला क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं मिक्सर मशीन चल रही है, तो ऐसे ही मिक्सर मशीन से बनाएं जो कि आपके RCC का मसाला हो ज़्यादातर, जैसे आपका लिंटर हो गया, बीम हो गया, और इस तरीके जो चीज़ें होती हैं, जो कॉलम खड़े करते हैं उसकी फुटिंग वगैरह हो गई, ये सारी आपने मिक्सर मशीन से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। RCC के मसाले में तो यूज़ करना ही चाहिए मशीन का, मिक्सर मशीन से ज़रूर बनाना है। इसके बाद में इसको जो आपने एक्सार करना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हम एक्सार कर रहे हैं, तो उससे पहले आपने वाइब्रेटर का यूज़ ज़रूर करना है, जो लिटिल वाइब्रेटर होता है, तो उसका अच्छी तरीके से इसमें चलाएं इसको, ताकि इसकी एयर जो है पूरी तरीके से निकल जाए। आपने इस तरीके से चलाना है, और जो है आपने इसको थोड़ा टाइट टाइट मसाला डालना है, यानी कि गोल मसाला डालेंगे। देखिए वाइब्रेटर चलाने के बाद भी ये मसाला आपका थोड़ा मुलायम हो जाता है, तो इस तरीके से वाइब्रेटर चलाना है और फिर उसके बाद में एक्सार करना है। इससे वाइब्रेटर चलाने से एयर निकल जाएगी, तब इसका इसमें गैप नहीं रहेगा, और जो कहीं कहीं बजरी दिखाई देती है, कहीं कहीं दाना दिखाई देता है बाद में, तो वो भी नहीं दिखाएगा। तो इसलिए वाइब्रेटर का चलाना ज़रूरी होता है, ताकि पूरा अच्छी तरीके से भर सके, कहीं गैप ना दिखाई दे, कहीं खाली जगह ना बचे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आपने इसमें वाइब्रेटर भी ज़रूर चलाना है, और फिर इसके बाद में इसको एक्सार करना है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक्सार किया हुआ है, कितना अच्छे तरीके से इसको बराबर करके भरा है, और आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पूरा भर चुका है, जो हमारा बीम है। यहाँ देख सकते हैं आपने कि आपको एक्सार दिखाई दे रहा होगा एकदम जो है, तो इस तरीके से भरें ताकि आपका देखने में भी अच्छा लगे और आपका मजबूती से ही भरा जाए इस तरीके से। तो मैंने जो बताया आपको कुछ बातों का, इसमें आपने ध्यान रखना है। एक तो आपने जो है इसका गैप रखना है बराबर, और फिर इसमें वाइब्रेटर चलाना है। जो मसाला बनाना है अपना, उसका रेशियो रखना है 1.5-3 का, और मसाला आपने मिक्सर मशीन में बनाना है, क्योंकि मिक्सर मशीन से बनाते हैं तो आपका अच्छी तरीके से मिल जाता है मसाला, वरना जो है अच्छी तरीके से मिल नहीं पाता है हाथ से RCC का। तो इसलिए आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ हम आप देख सकते हैं हमारा बीम भर चुका है, तो यहाँ देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ बीम भर दिया है हमने। और अगले दिन जो है हम इसकी शटरिंग खोलते हैं,
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने शटरिंग यहाँ खोलने लगे हैं ताकि हमारा अगला दिन हो गया था ये। तो इस तरीके से शटरिंग खोली जाती है। पहले हमने बताया था कि शटरिंग के लगाने का तरीका क्या था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो को ज़रूर देखें। आप वीडियो को आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसमें तरीका था शटरिंग लगाने का कि लोई वाली शटरिंग किस तरीके से लगाई जाती है। इसमें आप देख सकते हैं शटरिंग खोलने का क्या तरीका होता है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ शटरिंग कैसे खोली जाती है। बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाती है शटरिंग ये, और लगाने का आपने तरीका देखा ही है किस तरीके से लगाई जाती है। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद में जो है हमारा बीम कैसा निकलता है। यहाँ आप देखें कि कितना अच्छा बीम फिनिशिंग के साथ निकला है, आप देख सकते हैं इसकी। और यहाँ हाइट भी आप देख सकते हैं पूरी 1 फुट यहाँ पर भरा हुआ है। तो हमने जाना क्या क्या इसमें बीम भरते समय ज़रूरी था। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।